श्री वल्लभाचार्य, जिन्हें वल्लभ या महाप्रभु वल्लभाचार्य के रूप में भी जाना जाता है, वे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और भारत के ब्रज क्षेत्र में वैष्णववाद के कृष्ण केंद्रित पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक थे। उन्होंने अनुष्ठान, षोडश ग्रंथ और भागवत पुराण के भाष्य सहित कई ग्रंथों का उल्लेख किया। उनकी रचनाएं भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द घूमती थी। वल्लभाचार्य जन्मदिन को वल्लभाचार्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को वल्लभाचार्य जयंती मनाई जाती है। वल्लभाचार्य का जन्म इलम्मा और लक्ष्मण भट्टा से 1479 में काशी में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो अब वाराणसी में है। जब उनकी माँ गर्भवती थी, उनका परिवार 15वीं शताब्दी में हिंदू मुस्लिम संघर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ चला गया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने वेदों और उपनिषदों को सीखा और बाद में 20 वर्षों तक पूरे भारतीय महाद्वीप में यात्रा की। उनका मानना था कि कोई भी भगवान कृष्ण की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और उनके विचार राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली हो गए। भगवान श्री कृष्ण के एक रूप श्रीनाथ जी के ऊपर वल्लभाचार्य ने तीसरे आदेश सांसारिक जीवन को छोड़कर समाधि लेने का फैसला किया। 52 साल की उम्र में वह काशी पहुंचे और अपने आखिरी के कुछ दिन भगवान कृष्ण के चिंतन में बिताए। वह एक सप्ताह तक हनुमान घाट पर भी रहे। उनका परिवार और प्रियजन उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पास इकट्ठा हुए। उन्होंने रथ यात्रा के दिन गंगा नदी में प्रवेश किया और फर्म में खो गए। ऐसा कहा जाता है कि पानी में घुसते ही लोगों ने उनके चारों ओर एक ज्वाला देखी। इस घटना को असुर विमोहिला के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने आखिरी दिन जब लोगों ने उनसे सलाह मांगी, तो उन्होंने रेत में 3.5 संस्कृत श्लोक लिखे। यह संदेश स्वयं भगवान कृष्ण ने पूरा किया, जिन्होंने एक एक श्लोक लिखा था। इन छंदों को पुष्टिमार्ग साहित्य में शिक्षा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। वल्लभ ने विजयनगर में राजा कृष्णदेव के दरबार में भाग लिया और दरबार के सभी प्रसिद्ध पंडितों को हराया। राजा वल्लभ से बहुत प्रसन्न थे और उन पर सोने और अन्य धन की वर्षा की और उन्हें वैष्णवाचार्य की उपाधि से विभूषित किया। वल्लभ की प्रसिद्धि और प्रभाव बहुत जल्दी बढ़ गया। विजयनगर से वल्लभ उज्जैन और अन्य स्थानों पर गए। वल्लभ की महत्वपूर्ण कृतियां हैं व्यास सूत्र भाष्य, जैमिनी सूत्र भाष्य, भागवत टीका सुबोधिनी, पुष्टि प्रवाल मरियम और सिद्धांत रहस्य। ये सभी पुस्तकें संस्कृत में हैं। वल्लभ ने ब्रज भाषा में भी कई किताबें लिखी हैं। वल्लभ अनुयायियों ने उनके जन्म के मौके पर चंपारण्य में एक मंदिर का निर्माण किया है। यह मंदिर बहुत लोकप्रिय है और तीर्थस्थल के रूप में उनके भक्तों द्वारा बहुत देखा जाता है। तो आइए इस वर्ष भी हम श्री वल्लभाचार्य की जयंती मनाकर उन्हें सच्चे मन से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। वल्लभाचार्य जयंती 30 अप्रैल 2019 को है।